मुख्यमंत्री कमलनाथ की सख्ती अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब तो वो पार्टी में अनुशासन की कमान और मजबूती से थामने और कसने वाले हैं। उपचुनाव में जिन लोगों पर भीतराघात का आरोप लगा है, उन पर कमलनाथ सख्त एक्शन लेने के मूड में आ चुके हैं। कांग्रेस खेमे में अटकलें हैं कि पूर्व सीएम ने एक दर्जन से ज्यादा नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी कर ली है। ये वो नेता है जिन पर उपचुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधि का आरोप लगे हैं। इस मामले में कमलनाथ ने सभी जिला प्रभारियों से रिपोर्ट मांगी थी। ये रिपोर्ट उन्हें मिल चुकी है, जिसे वो जल्दी ही आलाकमान तक पहुंचाने वाले हैं, जिसके बाद पार्टी के हर गुनहगार पर सख्त एक्शन होगा। नौबत पार्टी से छुट्टी तक की आ सकती है। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक सज्जन सिंह वर्मा का दावा है कि 9 विधानसभा सीटों पर पार्टी के ही लोगों ने भीतराघात किया है, जिसकी रिपोर्ट और ऑडियो वीडियो में प्रमाण कांग्रेस दफ्तर पहुंच चुके हैं। इन पर अनुशासनहीनता के तहत कमलनाथ एक्शन लेंगे। माना जा रहा है कि नगरीय निकाय चुनाव सिर पर आने से पहले ही कमलनाथ ये एक्शन ले लेंगे। चुनाव की तरह नगरीय निकाय चुनाव में भी पार्टी को नुकसान न उठाना पड़े।